So this is area around Taksin Square. भाई day 1 है और हालत बुरी हो गई है। अभी इस स्टॉप पे रुके हुए हैं कुछ लेने के लिए और पीछे ये मस्जिद है, ये बन रहा है डोनर और हमने अभी सिर्फ फ्रेंच फ्राइज लिए हैं और उसके बाद ये हम अभी के पीछे जामा मस्जिद है, हम यहाँ जुमा पढ़ेंगे और जुमा पढ़ के फिर हमने कुछ सामान लेने हैं। इसमें मार्केट ऐसा ही और कुछ डोनर हमने पहले भी खाया हुआ है, जर्मनी में काफ़ी कम है। तो ये मस्जिद आप देखते पीछे, ये मस्जिद है, यहाँ जुमा पढ़ना है अभी और बाकी फिर हम जुमे के बाद सीन देखते हैं। तो जनाब ये है तकसीम मॉस्क, अभी यहाँ पे जुमा पढ़ना है। और तकसीम स्क्वायर आई थिंक ये है सामने तकसीम स्क्वायर, ये पीछे इसके आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। गर्मी टिका के भाई, आप जब जर्मनी से आए हैं तो फिर यहाँ पे गर्मी का एहसास हो रहा है। ये है जी तकसीम स्क्वायर आई थिंक, क्योंकि अभी जो गर्मी है ना, गर्मी से हालत टाइट हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये मस्जिद है पीछे तकसीम मस्जिद, ये भी अच्छी खूबसूरत मस्जिद है और इसके सराउंडिंग में एक ट्राम है छोटी सी, वो चलती है, वो रुकी हुई है सामने। ये है जी तकसीम स्क्वायर। काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्मी है। फ्रंट व्यू दिखा दें, हाँ ये है जी फ्रंट व्यू। प्रोसेस के बारे में बताओ क्या है? और ये है जी इस्तांबुल तकसीम स्क्वायर की ओल्ड ट्राम। आई डोंट नो ये कितनी पुरानी है, आई मीन विच कंस्ट्रक्शन, लेकिन ये बड़ी है खूबसूरत। और अंदर ड्राइवर साहब भी बैठे हुए हैं, थोड़ा दूर से आपको दिखाता हूँ, लोग इसमें तस्वीरें ले रहे हैं। ये जी तकसीम स्क्वायर की ओल्ड ट्राम जो यहाँ से सैर कराती है आपको, इसका दिखाता हूँ। काफ़ी ओल्ड है ये, एंटीक और है इलेक्ट्रिक। ये है जी इसका व्यू। हम भी हैं इसमें, हम लोग भी हैं भाई इसके अंदर। उससे डरा खड़ा, वो पानी ले रहा, उससे नहीं। अच्छा अच्छा नहीं नहीं यार, अभी इस्तिक्लाल स्ट्रीट पे हैं और भूख लग रही है, बट ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। सारे व्लॉग वगैरह जो देखे थे सब भूल गए हैं कि यहाँ से क्या खाएं। खैर अभी कुछ खाते हैं और फिर देखते हैं क्या खाएं। मित्र भाई क्या कर रहे हो आप? वाह ये देखो इतने सारे फ्लैग्स पीछे देखो, वाह इतने सारे फ्लैग्स हैं, कितने सारे फ्लैग्स हैं मुझे, बहुत सारे फ्लैग्स हैं। आज बिग गाड़ी भी आएगी, बिग गाड़ी आज चलें, चलो गुड बॉय। ये एक बेकरी है बट अभी कुछ खा लें, उसके बाद हम, काफ़ी आइटम लग रहे हैं इसमें, पेस्ट्रीज वगैरह। कहाँ पे कौन सी वाली? तो देखो ट्रेन आ रही है सामने, वो देखो, वाह तो देखो ट्रेन, वाह। कोने में एक रेस्टोरेंट है मुनहसिर, और काफ़ी अच्छा है इनका। आप ऊपर ये है मुनहसिर। ये अभी हमारा खाने का मेन्यू आ रहा है, लेकिन जो मुझे ख़तरे वाली चीज़ लग रही है ना, मुझे ऊपर ये कबूतर बैठा है मेरी सीट के बिल्कुल ऊपर। मतलब क्या हुआ, ये जो ही आई हुई है इस्तांबुल, पहला कंट्री ट्रैवल कर रही हूँ पापा, फर्स्ट कंट्री इस्तांबुल। ये है जी, क्या ये हुमस है? अभी हुमस ट्राई करते हैं, साथ में शायद मक्खन है, चीज़ है, पनीर पनीर। मतलब क्या कर रहे हो आप? ये अच्छा है, नमकीन है। जनाब खाना आ चुका है, ये इसका नाम है अली नाजिक आई थिंक, और एक योगर्ट, नहीं ये, हाँ ये योगर्ट कबाब है, ये इसका नाम है अली नाजिक। ये हमने खाए हुए हैं जर्मनी में, बट ये कि आप यहाँ पे देखेंगे होपफुली टेस्ट इसका बेहतर होगा। लेट्स सी। ये एक 1 पर्सन 1 डिश होती है, लेकिन हम तो इसी में से खाएँगे भाई। ये मैं खाने लगा हूँ अभी अली नाजिक। टेस्ट बेटर है गर्मी से, बेटर है, थोड़ा स्पाइसी भी है, गर्मी में जो है बहुत फीका होता है। हाँ खाली है और अब कुछ जान में जाना ही है, अब चल के देखते हैं। बच्चों की प्रॉब्लम लेनी है क्योंकि उसके बगैर जो है वो बहुत मसला है यहाँ पे पैदल चलना। अभी टैक्सी वाले भाई ने बताया कि ये पानी ट्रांसपोर्टेशन का वाटर डक्ट कुछ ऐसा पार्ट था, ये बड़े मीनार वगैरह बने हुए। अच्छा पूरा भाई ट्रैफिक की तो ऐसी हालात हैं, लग रहा है पाकिस्तान में आ गए हैं। ये है जी उस्मान बेग का एरिया, और हम ढूंढ रहे थे उस्मान बेग का मज़ार, तो हमें लगा बस वही मज़ार होगा, लेकिन ये पूरे इलाके का नाम ही उस्मान बेग है। और अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन यार यहाँ पे ये बड़ा इशू है कि सिटी जो है वो इस तरह का है। अब वापस जा रहे हैं, तो ये एक अदद बेकरी पे रुके हैं, कुछ पिज़्ज़ा और ये कुछ केक्स हैं इनके। Aşkım. Hadi şop. Güzel bir şeyler yapalım. Söyle nice. Just ice cream. Why? No ice cream. You take you. No. Come on. Morning. Finish. No problem. No. इस एंगल से चलें जी, फाइनली मगरिब की नमाज़ यहाँ पढ़ेंगे। यही मस्जिद, ये वज़ू खाना है और पीछे जो स्ट्रीट है इसमें हमारा होटल है। ये मस्जिद की एंट्रेंस, लेडीज़ के लिए भी है अलहदा। और शूज़ यहाँ पर उतरेंगे। ये पता नहीं लॉकर है क्या चक्कर है। अच्छा वैसे ही आप बना हुआ है, मुझे लगा पैसे ना हो। तो ये जनाब आप नंबर याद रख लें और इस तरह जूते बुरे भी नहीं लगेंगे। ये जी बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ अंदर भी शूज़ का है और ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये जो एरिया है यहाँ विज़िटर्स खड़े होकर विज़िट कर सकते हैं और नमाजी जो हैं वो आगे होंगे। तो मैंने बाहर से पता किया था, 5 मिनट में थी जमात, तो आई होप जमात होने वाली होगी। लेकिन बड़ा डिटेल और बड़ी पुरानी मस्जिद लग रही है। मैं एक तुर्की की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आया हूँ, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि आवर वैल्यूड गेस्ट, इफ़ योर क्लॉथ्स आर नॉट सूटेबल फॉर द मॉस्क एटिकेट्स यू कैन बोरो क्लॉथ्स हियर। क्योंकि यहाँ सारी दुनिया से लोग आते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे स्कार्फ भी रखे हुए हैं। ये भी स्कार्फ हैं और ये अबाए भी हैं, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने टूरिज़म भी रखा हुआ है और अपना इस तरह से भी है कि लोग। और दूसरा कंसेप्ट जो है वो जूतों वाला, कि जूतों के जो है वो इस तरह से ढक्कन लगे हुए हैं, मतलब अलमारियाँ सी हैं, ताकि जूते देखने में बुरे नहीं लगते। और कवर्ड शूज़। तो ये मैं नमाज़ पढ़ के निकला हूँ अभी बाहर, और मगरिब के बाद का व्यू भी अच्छा है। इस स्ट्रीट में सामने जाके हमारा अपार्टमेंट है जो मैंने Booking.com से किया था। ये है जी हमारी स्ट्रीट, हमने जहाँ पे अपार्टमेंट लिया हुआ है। बड़ी रौनक वाली स्ट्रीट है, बट रिकमेंडेड है अगर आप सिंगल हैं या बॉयज़ हैं। फैमिली के साथ थोड़ा ये स्लोपी एरिया है, स्पेशली किड्स के साथ आपको थोड़ा मसला हो सकता है चलने फिरने में। आगे और भी दिखाता हूँ आपको, बड़ा अच्छा खूबसूरत सी अम्ब्रेलास लगी हुई है। ये